वो मुखर वक्ता थी। सुषमा जी का भाषण प्रभावी होता था, इतना ही नहीं है, प्रेरक भी होता था। उनकी वाणी में सरस्वती का वास था। उम्र में भले मुझसे छोटी थी, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। स्वर में ओज था, वो प्रखर राष्ट्रवादी थी। पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे जेब न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना। निर्भीक थी, स्पष्टवादी थी। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं, बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। उन्होंने विश्व में हिंदी को सम्मान दिलाया। वैष्णव जन तो दीने कहिए जे, पीड़ पड़ाई जानी रे। वो श्री राम की सच्ची उपासक थी। वो दृश्य आज तक मेरी आंखों में जस के तस जिंदा है। महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर आती थी, रथ के सामने खड़े होकर बोनेट पर स्वास्तिक बनाती थी, रथ की आरती उतारने के बाद उसके पहियों की धूल अपने माथे से लगाकर अपने आप को धन्य समझा करती। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का स्वप्न देखा था कि हमलावरों के विजय चिन्ह गर्व के नहीं शर्म के स्मारक होते। अब वो संकल्प साकार हो रहा है। अयोध्या में सुषमा जी के आराध्य श्री राम के भव्य मंदिर का श्री गणेश हो चुका है। आज सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि है। सुषमा स्वराज को परिचय की आवश्यकता नहीं है। देश की पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज राम मंदिर आंदोलन से लंबे वक्त तक जुड़ी रही। भगवान राम की उपासक सुषमा के लिए रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण एक सपना था जो अब सच होने जा रहा है। अयोध्या में कल प्रधानमंत्री ने जब राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो देश को एक बार फिर सुषमा की याद आई। हर किसी को उनकी कमी खली। छह अगस्त वो तारीख है जब राजनीति के आकाश का सबसे दैदीप्यमान नक्षत्र खो गया था। ठीक एक साल पहले भारतीय राजनीति की सुषमा इतिहास के पन्नों पर अमर गाथा अंकित कर विदा हो गई थी। सुषमा स्वराज एक ऐसी अद्भुत राजनेता थी जिन्हें ये देश कभी भुला नहीं सकता। उनके भाषण में ओज था, वाणी में तेज था। आपको सजा देनी है दो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन किंतु परंतु करके, अगर मगर करके, इधर उधर करके समस्या को टालो मत, समस्या को टालो मत। 50 साल तक अदालतें जिस बात का फैसला नहीं कर सकी, उसका हल केवल संवाद से निकलेगा। संवाद करो। सुषमा के संकल्प की शक्ति विरोधियों को अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर देती थी। अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराएं और कितने शकुनी करते हैं। हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे।
सुषमा स्वराज के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम था। उनकी सांसों में भारत बसता था, उनके शब्दों में राष्ट्रवाद का शंखनाद होता था। धर्म निरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्म निरपेक्षता की क्या कल्पना की थी, पर इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। सुषमा सत्य बोलती थी, इसलिए निडर रहती थी। वो डंके की चोट पर अपनी बात सड़क से संसद तक रखती थी। सुषमा ने 1996 में ही अनुच्छेद 370 समाप्त करने की मांग की थी। सुषमा को सरस्वती का वरदान था, वो शब्दों की धनी थी, उनके विरोधी भी उनकी भाषण कला के प्रशंसक थे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सुषमा स्वराज दूसरी ऐसी बड़ी नेता थी जिन्होंने हिंदी को विश्व के मंच पर उसका अधिकार दिलाया। सितंबर 2018 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से हिंदी में हुंकार भरी और दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकवादी चरित्र को बेनकाब किया। सुषमा स्वराज भगवान राम में गहरी आस्था रखती थी। राम उनके लिए जीवन का आदर्श थे। अयोध्या में राम का मंदिर सुषमा का संकल्प था। जन आंदोलन के दृश्य एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं देखे जा सकते। जन आंदोलन के दृश्य अगर देखने हैं तो तपती दोपहरियों और ठिठुरती रातों में धूल धक्कड़ भरी सड़कों पर खड़े होना पड़ता है, तब जन आंदोलन के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। अध्यक्ष जी, मैं उस मूवमेंट की साक्षी रही, वो दृश्य आज तक मेरी आंखों में जस के तस जिंदा है। महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर आती थी, रथ के सामने खड़े होकर बोनेट पर स्वास्तिक बनाती थी, रथ की आरती उतारने के बाद उसके पहियों की धूल अपने माथे से लगाकर अपने आप को धन्य समझा करती। सुषमा स्वराज बीजेपी की अग्रिम पंक्ति की नेताओं में शामिल थी जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना के लिए जीवन भर प्रयास किया। आपको सजा देनी है दो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन किंतु परंतु करके, अगर मगर करके, इधर उधर करके समस्या को टालो मत। 50 साल तक अदालतें जिस बात का फैसला नहीं कर सकी, उसका हल केवल संवाद से निकलेगा। संवाद करो कि हमलावरों के विजय चिन्ह गर्व के नहीं शर्म के स्मारक होते। सुषमा का संकल्प सिद्धि तक पहुंचा, लेकिन वो इस शुभ घड़ी को देखने के लिए मौजूद नहीं थी। अयोध्या में विराट राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। सुषमा अगर दिवंगत नहीं होती तो उनके लिए यह अपार हर्ष का क्षण होता। राम भक्त सुषमा के लिए यह जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति की बेला होती। राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर उल्लास के बीच देश ने सुषमा की कमी को महसूस किया। सुषमा भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अयोध्या में बनने वाला विराटतम राम मंदिर उनकी अटल आस्था का भव्य प्रतीक होगा। सुषमा के अविस्मरणीय भाषण आने वाली पीढ़ियों को राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते रहेंगे। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।